मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस रूट 68 प्लस 48 रूट 2 विल बी, और चार ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसको सोल्व कर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन इंजीनियरिंग और एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ इतना, यानी जो निकालना है वो वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट, यानी जो आप लोग का वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर रूट, यानी 12 माइनस रूट 68 प्लस 48 रूट 2, यानी इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इनसाइड द रूट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 12 माइनस रूट 68 प्लस 48 रूट 2। तो जो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है या कह सकते हैं फंडामेंटल टेक्निक है, वो है कि ये जो पार्ट से आप लोग का ये दोनों नंबर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम सेट कर दें तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपको है ये वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग टू सेट करना है। तो 68 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म क्या है, 2 ही है। तो यहाँ पर से हम लोग 68 को इस तरह से लिख सकते हैं, 36 प्लस 34, और बाकी जो आप लोग का है एज इट इज कॉपी कर लीजिए, तो 48 रूट 2, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हाँ, ये जब हम ब्रेक करेंगे तो और तरह से ब्रेक हो सकता था, लेकिन हमको ऐसा ब्रेक करना है कि ये वैल्यू भी हमारा सेम हो, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब हम सेट करें। तो 12 माइनस, देखिए यहाँ पर कैसे करना है, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 34 यानी 34 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 34, यानी 4 रूट 2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी 34 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पर 36 और 34 ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना है 6, और बी के जगह पर 4 रूट 2 अगर हम लोग लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 रूट 2। तो अगर 36 प्लस 34 में लिखेंगे तभी ये वैल्यू हमारा आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट होगा। तो ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आप भी इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या हमको ब्रेक करना है। तो 12 माइनस अब यहाँ पर से लिख सकते हैं, यानी 48 ना लिखकर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिखे तो वही वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर 6 प्लस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, तो स्क्वायर से आपका क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 6, यहाँ पर ब्रैकेट में रखते हैं, 6 प्लस 4 रूट 2। यहाँ पर कन्फ्यूजन यानी गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रैकेट हम नहीं देते तो ये सिर्फ माइनस 6 होता और यहाँ पर वाला क्या हो जाता, आपका प्लस ही रह जाता, जिसके कारण उसका भी आंसर आपका यहाँ पे आ जाता। तो ध्यान रखिएगा इसको ब्रैकेट में ही लेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 6 माइनस 4 रूट 2। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट में, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो गलती होने का चांसेस पूरा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लिखते तो क्या था, 12 माइनस 6 प्लस 4 रूट 2, लेकिन एक्चुअल क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी अब ये हमारा जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, 6 माइनस 4 रूट 2। और हमको निकालना क्या है, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी जो वैल्यू था इसका, तो यानी ये वैल्यू किसका सॉल्यूशन है, तो ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन किसका है, इसका है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लें, 6 माइनस 4 रूट 2 का ये जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, पूरा का वैल्यू होगा। तो
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, और इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के इन साइड ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। तो अबर जो हमारा वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 6 - 4√2। अब यहाँ पर दो ही टर्म है, हमको क्या करना है, ए माइनस बी, चूँकि यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये सेट होगा। तो यहाँ पर से हम लोग 6 को 4 + 2 लिख सकते हैं, और -4√2, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। 6 को हम लोग क्या किया, 4√2। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करने के लिए यहाँ से 2 का स्क्वायर, और इसको +2 है उसको √2 का होल स्क्वायर, और इसको माइनस रहने देते हैं, 2 × a के जगह पर कितना है 2, और b के जगह पर कितना √2। अब देखिए अगर इसको सोल्व भी करते हैं तो क्या आएगा, -4√2 ही आएगा। यानी इस तरह से इसका जो वैल्यू आएगा टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे √2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर से रूट स्क्वायर से कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, +−2 - √2। देखिए यहाँ पर अगर मिस्टेक करते तो ये आ जाता आप लोग का क्या, प्लस में, तो आपका यहाँ पर प्लस में भी आंसर है, तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता, ये पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम किए तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया, +−2 - √2, यानी डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम में नहीं बना सकते हैं। उम्मीद है यह प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगा तो आप बना सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।